प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान संविधान राम मंदिर सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को फिर घेरा। राहुल के खटाखट वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद टूटकर बिखर जाएगा विपक्षी गठबंधन। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। वहीं यूपी के जौनपुर की रैली में तुष्टीकरण को लेकर भी पीएम ने विपक्ष पर वार किया। यहाँ दबंग माफिया घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे, मोदी के संतुष्टिकरण सेटिस्फेक्शन संतोष वाला मॉडल ने ये स्थिति बदल दी है। लखनऊ में अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने फिर दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी जीती तो छिन सकती है सीएम योगी की कुर्सी। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया और कहा कि भ्रम में पड़ गई है केजरीवाल की बुद्धि। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। राहुल गांधी की सीट पर प्रियंका गांधी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। रायबरेली में कई रैलियों को संबोधित करने के बाद आज उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। प्रियंका ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी को तानाशाह सरकार करार दिया। मुझे पूरी भाजपा की पार्टी की कोई समझ नहीं, तानाशाही बनाई हुई है देश के। प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिया वाले बयान पर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि पीएम किसे घुसपैठिया कह रहे हैं, उनका इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ है। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है, कौन से समुदाय की है, किसके गलों हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा तो मुसलमानों को कह रहे हैं। ओवैसी ने लोगों से मोदी को तीसरी बार पीएम ना बनाने की अपील भी की। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मालीवाल ने अपनी लिखित शिकायत दे दी है। उन्होंने सीएम हाउस की लॉबी में 13 मई को ही मारपीट की पूरी जानकारी पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम दोपहर करीब 2 बजे स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी। स्पेशल सेल की टीम ने स्वाति मालीवाल की सुरक्षा व्यवस्था सहित कई मामलों पर उनसे बात की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने खुद जाकर स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज किए। पुलिस जल्द ही FIR भी दर्ज कर सकती है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। महिला आयोग भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया है। उसने विभव कुमार को पेश होने के लिए तलब किया है। Z News.